यूपी के बहराइच में कुछ पुलिस वाले दुर्गे माँ की एक मूर्ति को खुद उठाकर ले जाने लगे। दरअसल बहराइच के रिसिया में झंझटी कुएं पर कुछ लोगों ने एक मूर्ति रख दी। बस देखते ही देखते इलाके के इस मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर इसका विरोध करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से खूब ईंटें और पत्थर चले। इलाके में पुलिस की तादाद कम होने की वजह से ये सब कुछ लगभग एक घंटे तक चलता रहा। जब तक थाने की फोर्स वहाँ इकट्ठी हुई तब तक बहुत कुछ घट चुका था, पर इसके बाद जाकर हालात पर काबू पा लिया गया। पर मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। गुस्साए लोगों ने एक बार फिर पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके जवाब में पुलिस वालों ने पत्थर चलाए। इस दौरान एक युवक को पकड़कर उस पर जमकर लाठियां बरसाई गई। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद हालात पर काबू पाया गया। पूरे इलाके में तनाव अभी भी बरकरार है और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि जिस जगह पर मूर्ति रखी गई थी उस जगह पर मूर्ति रखने की इजाजत बहराइच जिला प्रशासन ने नहीं दी थी, इसके बावजूद भी वहां मूर्ति रखी गई और इलाके की पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इसी थाने की पुलिस इस मामले को लेकर जरा भी तेजी दिखाती तो शायद इस तरह के हालात उत्पन्न नहीं होते थे। अभी तो नवरात्रि की शुरुआत ही है और पुलिस का ढुलमुल रवैया कहीं बड़ी परेशानी का सबब ना बन जाए। पुलिस अगर चुस्त और दुरुस्त नहीं रहेगी तो बड़ी घटना हो सकती है। क्या हुआ तुम्हारे ऋषि बताओ? यही मूर्ति के बारे में गांव भर करत हैं। का करत तो कुछ ध्यान है ना, हम कुछ बोले और ना हम यहाँ तक आए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम सोनू। बाप का नाम? बाप का नाम ननकऊ। ननकऊ? हाँ। अली रजा? अली रजा मेरा नाम है। किन लोगों ने पथराव किया पुलिस वालों के ऊपर? अभी हमको नहीं मालूम, हम यहाँ तक आए नहीं तो हमको मालूम क्या। ये कौन सा इलाका है? ये तो हम खटिया पे लेट रहे थे, सब पकड़ पकड़ खींच लिए हैं। ये कौन सा इलाका है? ये कहाँ तुम खड़े हो, किस जगह? ये सिसई में खड़ा हूँ। नहीं, कौन सा इलाका है? रिसिया है क्या? सिसई है, सिसई सलवान है। सिसई रिसिया? थाना रिसिया बाजार, थाना रिसिया में सिसई सलवान मोहल्ले में कुछ व्यक्तियों द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बिना अनुमति के एक दुर्गा प्रतिमा को रखने का प्रयास किया गया, जिससे दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। पथराव हुआ, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में किया। इसमें 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और धारा 147, 148, 149, 307, 295 ए, 505 सी, 336, 353 IPC व 7 CLA एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति है, पुलिस बल को वहाँ तैनात कर दिया गया है और प्रशासन का ये पहले से ही दृष्टिकोण रहा है और हमने इसके लिए अपने LIU के और थाने के लोगों को भी लगा रखा है कि बिना अनुमति के किसी भी विवादित जगह पर कोई प्रतिमा नहीं रखी जाएगी। इस बात का उल्लंघन किया गया जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और मौका रहते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया और प्रभावी इसमें कार्रवाई की गई है। 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बहराइच से ये थी जाकी आलम सिद्दीकी के साथ रेहान की रिपोर्ट।